गैस हम लोगों ने बात करी काफ़ी चीज़ों की अपने सी प्रोग्रामिंग के इस कोर्स में। मैं आप लोगों को मेमोरी लीक का कॉन्सेप्ट आज बताने वाला हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सी जो होती है ना, एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि आप लोगों को बहुत सारी पावर्स देती है, और विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ गाइज। तो आप लोग के पास जब पावर आ जाती है हाथ में, तब आप लोगों की जिम्मेदारियाँ भी बढ़ जाती हैं। तो जब आपके पास ताकत आती है, तब आप लोगों की जिम्मेदारी होती है उस ताकत का इस्तेमाल सही से करें। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप लोग को ताकत देती है मेमोरी मैनेजमेंट का, तो आप लोग की जिम्मेदारी होती है कि आप लोग सही से मेमोरी मैनेज करें। मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, चलो देखते हैं। यहाँ पर मेमोरी लीक होती क्या है, सबसे पहले ये एक सबसे बड़ा सवाल है, ये टर्म आया कहाँ से मेमोरी लीक। लीक का मतलब तो आप लोग समझते हैं, सिलेंडर से गैस लीक हो जाती है, कभी कभी गाड़ी से पेट्रोल लीक हो जाता है, और भी कई चीज़ें लीक होती हैं, जैसे कि बातें लीक हो जाती हैं कभी कभी। एनीवेज़, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन एक तरीका होता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था। तो ये तो आपको मालूम है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन क्या होता है। हम लोगों ने बात की थी कि एक प्रोग्राम में जो मेमोरी एलोकेशन होता है एक टिपिकल आर्किटेक्चर में, वो चार तरह के सेगमेंट्स होते हैं, चार सेगमेंट्स में उसको तोड़ा जा सकता है। नंबर एक कोड, दूसरा स्टैटिक ग्लोबल वेरिएबल्स, और उसके बाद हमारा स्टैक और एक हीप। हमने डिटेल में सब कुछ देखा था। अब होता क्या है, स्टैक तो ये होती है कि जैसे मान लो आप लोगों ने मेन फंक्शन कॉल किया, अगर मैं इसको जूम इन करूँ कुछ इस तरह से, तो एक आपका स्टैक फ्रेम होता है, हम लोगों ने बात की थी, जो आपका मेन मेथड होता है वो सबसे पहले कॉल होता है। अब मेन के अंदर आपने कोई फंक्शन कॉल कर दिया, तो ये जो है, ये मैं पॉज का साइन बना रहा हूँ यहाँ पर, जो सीडी प्लेयर में होता है आपके MP3 में। उसी के साथ साथ क्या होता है कि जब ये आप लोग मेन के अंदर कोई फंक्शन को कॉल करते हैं, जैसे कि मान लो आपने फंक वन नाम के फंक्शन को कॉल कर दिया, तब मेन जहाँ पर था वहाँ पर रुक जाता है, और फंक वन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। और इसके अंदर भी आपने कोई फंक्शन कॉल कर दिया, तो वैसे ही स्टैक के अंदर आपके आते जाते हैं वो फंक्शंस, मैंने आप लोगों को डिटेल में इस बारे में बताया था। और होता क्या है कि जैसे ही फंक वन जो है रिटर्न करेगा, इसने जितने भी वेरिएबल्स बनाए हैं वो सारे जो मेमोरी में से हैं वो इरेज हो जाएंगे, और वापस से रिटर्न वैल्यू को लेकर ये मेन में जाएगा, और मेन वापस से जो है चालू हो जाएगा। ये प्ले का साइन बना दिया मैंने, और उसके बाद जो है मेन भी रिटर्न कर जाएगा, आपका प्रोग्राम जो है ख़त्म हो जाएगा। अब होता क्या है, अब यहाँ पर होता कुछ ऐसा है कि अगर मान लो कि आपने यहाँ पर हीप के अंदर कुछ मेमोरी एलोकेशन कर दिया बहुत सारा, और आप लोगों ने मेमोरी एलोकेशन कुछ इस तरह से कर दिया कि आप लोग उसको फ्री नहीं कर रहे हो, लेकिन उसी के साथ साथ अगर आप हीप में मेमोरी एलोकेशन करते हो, तब होता क्या है, आपकी जिम्मेदारी होती है कि जो डायनामिकली एलोकेट की गई मेमोरी है उसको आप फ्री करो। तो हम लोगों ने फ्री फंक्शन की बात की थी, मैलॉक कैलॉक की तो की ही थी, और उससे क्या होता है कि डायनामिकली आपकी मेमोरी एलोकेट होती है, यानी कि आप लोग इस हीप वाले सेक्शन में से कुछ मेमोरी जो है, यहाँ पर जैसे मान लो आपने इतनी मेमोरी जो है रिक्वेस्ट कर ली, और फिर उसके बाद मान लो आपने यहाँ पर ये रिक्वेस्ट कर ली। अब आपने अगर ये रिक्वेस्ट करी मेमोरी, और आप रिक्वेस्ट करके इसको फ्री करना भूल गए, आपने कहा कि अब ये मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, आपने कुछ इस तरह से ये मेमोरी का ब्लॉक बना के और इसको भूल गए, तब क्या होगा? अगर आपने ऐसा कुछ किया, तब आपके इस तरह के बहुत सारे गार्बेज ब्लॉक्स बन जाएंगे, आपने जो मेमोरी रिक्वेस्ट की है ये इस तरह से बनती जाएगी, और ये इकट्ठा होते जाएंगे, और इसको कहते हैं मेमोरी लीक। यानी कि आप लोगों ने कुछ मेमोरी बनाई और उसे फ्री नहीं किया, और आप उसको अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल भी नहीं कर रहे हैं। तो जैसे जैसे आपका प्रोग्राम चलते जाएगा, अगर आप लोगों ने ये कोई लूप में कर दिया, तब क्या होगा, जैसे जैसे आपका प्रोग्राम चलता जाएगा, वैसे वैसे होगा क्या, वैसे वैसे आपका जो प्रोग्राम मेमोरी को कंज्यूम कर रहा है वो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और एक टाइम पर वो आपका जो प्रोग्राम है इतनी सारी मेमोरी कंज्यूम करेगा कि मे बी वो क्रैश भी कर सकता है। तो ये होती है मेमोरी लीक। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्या कॉज करती है मेमोरी लीक को। सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया था, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और हम अगर अपनी डायनामिकली एलोकेटेड मेमोरी को सही से फ्री ना करें, हम लोग डायनामिक मेमोरी एलोकेशन वाले फीचर को सी प्रोग्रामिंग में सही से इस्तेमाल ना करें, तब मेमोरी लीक होती है, और ये बिल्कुल गलत है अगर आप लोग सही से मेमोरी मैनेज नहीं कर रहे हैं। तो मेमोरी लीक कब होती है, तब होती है जब आपने बहुत सारे यहाँ पे गार्बेज बना दिया। अब जैसे पाइथन और जावा जैसी लैंग्वेजेस हैं, उनमें गार्बेज कलेक्टर होता है। गार्बेज कलेक्टर क्या करता है, वो मेमोरी जो कि इस्तेमाल नहीं हो रही है, एलोकेट हो गई है किसी भी तरह, उसको क्या होता है कि ये फ्री करता जाता है आपका गार्बेज कलेक्टर। तो जब हम मेमोरी को एलोकेट करते रहते हैं बिना फ्री किए, तो ओवरऑल मेमोरी जो है वो बढ़ती चली जाती है, और इस तरह के एलोकेशन को कि आपने एलोकेट कर दिया और उसके बाद आपने फ्री नहीं किया, इसे कहते हैं मेमोरी लीक। तो ये तब होता है जब प्रोग्रामर ने मेमोरी ब्लॉक रिक्वेस्ट किया है और उसके बाद उसको इस्तेमाल करके फ्री करना भूल गया हो, तब होती है मेमोरी लीक। तो मेमोरी लीक को अवॉइड किस तरह किया जाए,
मेमोरी लीक को अवॉइड किया जा सकता है जब आप फ्री फंक्शन का इस्तेमाल करें। जैसे जैसे आप लोग मेमोरी एलोकेट करते जा रहे हैं, वैसे वैसे आप लोग इस बात का ध्यान रखें कि जहाँ पर जो मेमोरी आपने एलोकेट करके अपने पॉइंटर को पॉइंट करवाया है उसको आप फ्री कर दें। उसको आपने फ्री कर दिया तब क्या होगा कि आपकी वो मेमोरी फ्री हो जाएगी हीप में से, और बाद में आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी काम में। अगर आपको मेमोरी आगे एलोकेट कर रहे हैं, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन कर रहे हैं प्रोग्राम के अंदर, तब आप लोग उस मेमोरी को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेमोरी लीक से बचने के लिए आप ये सब कर सकते हैं। तो ये तो था मेमोरी लीक, लेकिन क्या हम मेमोरी लीक को सिमुलेट कर सकते हैं प्रोग्राम में? तो मैं आप लोगों को सिमुलेट करके बिल्कुल दिखाऊंगा प्रोग्राम में, और मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरह से मेमोरी लीक को मैं आप लोगों को क्रिएट करके दिखाऊंगा। और एक्चुअल में अगर आप लोग विंडोज़ में नहीं हैं, मैं अगर विंडोज़ में हूँ एक्चुअली, तो मैं विंडोज़ में टास्क मैनेजर होता है, आप जिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें आप जिस भी तरह मेमोरी का जो यूजेज है वो देखते हैं, जैसे कि आपका मैक में एक्टिविटी मॉनिटर होता है, आप और भी लिनक्स वगैरह में सब में सिमिलर टूल होता है टास्क मैनेजर के जैसा। मैं आपको टास्क मैनेजर खोल के दिखाऊंगा, और मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि जो मेरा प्रोग्राम है जो कि मैंने कंपाइल किया और .exe बनाई है वो कितनी मेमोरी ले रहा है। तो चलते हैं फिर विजुअल स्टूडियो कोड में, देखते हैं कि किस तरह हम लोग मेमोरी लीक को सिमुलेट कर सकते हैं। सो गाइस, मैं आ चुका हूँ अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर, और अब मैं आप लोगों को यहाँ पर डेमो दिखाऊंगा मेमोरी लीक का। लेकिन उससे भी पहले, अगर आप लोगों ने सी प्रोग्रामिंग की सीरीज़ को एक्सेस नहीं किया है अभी तक, तो एक्सेस इसको ज़रूर कर लें, क्योंकि मुझे बहुत सारे कॉमेंट्स वगैरह अभी भी आते हैं बीच बीच में से कि मैं वीडियो कोई नहीं बनाया है, मैंने वाइल लूप पे या फिर कोई फॉर लूप पे नहीं बनाया, जबकि मैंने सारे वीडियोस बनाए हैं स्टेप बाय स्टेप। तो हर वीडियो में मुझे ये बोलना ही पड़ता है कि यहाँ पर मेरी प्लेलिस्ट है, इसको एक्सेस करें, बुकमार्क करें, सेव करें और देख लें। किसी भी तरह आप लोग जो है पूरे कोर्स को ले लें, ये मतलब है मेरे कहने का। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, आऊँगा यहाँ पर और बनाऊँगा एक फ़ाइल, नहीं देखता हूँ कौन से 74 वीडियोज़ हैं, तो 75.c बनाऊँगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ ट्यूटोरियल 75.c। मैंने यहाँ पर एक यूज़र स्निपेट बना रखा है, अगर आप लोगों को नहीं मालूम यूज़र स्निपेट क्या होता है तो मैंने बता रखा है इस कोर्स में। मैं कहता हूँ शुरू से आपको देखना है स्टेप बाय स्टेप, अगर नहीं मालूम तो मुझे याद भी नहीं इनफेक्ट मैंने किस वीडियो में बताया, बट कहीं ना कहीं मैंने शुरू के चार वीडियोज़ में बताया। तो आप लोग ज़रूर शुरू से देखें कोर्स को, अगर बीच में से देख रहे हैं बाय एनी चांस। तो वैसे बीच में से ना ही देखें, वीडियोज़ शुरू से ही देखें। चलो अब मैं यहाँ पर मेमोरी लीक का जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों को सिमुलेट करके दिखाऊंगा। सिंपल सा एक इंट आई इज इक्वल टू जीरो बना रहा हूँ इंटीजर वेरिएबल, और एक ए नाम का भी वेरिएबल बना रहा हूँ, इंटीजर रहेगा वो भी, और एक इंटीजर पॉइंटर बना रहा हूँ इंट स्टार आई टू, और इंट स्टार आई टू के नाम से एक पॉइंटर बना दिया। अब मैं यहाँ पर एक वाइल लूप लिख रहा हूँ सिंपल सा, मैं स्निपेट भी यूज़ कर सकता था जो यूज़र जो विजुअल स्टूडियो कोड मुझे देता है। मैं कह रहा हूँ कि वाइल आई इज़ लेस देन 4555, ठीक है, सिंपल सा मैंने एक वाइल लिखा है। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा प्रिंट एफ, और यहाँ पर लिखूँगा कि वेलकम टू कोड विद हैरी, ठीक है, स्पेसेस दे देते हैं। और यहाँ पर सिंपली मैंने इतना ही लिखा है, ज़्यादा कोई बड़ा मैंने कोई स्ट्रिंग बड़ी या फिर कोई बड़ा काम यहाँ पर नहीं किया है, एक प्रिंट एफ स्टेटमेंट लगाया है। अब मैं यहाँ पर करूँगा क्या कि मैं कहूँगा कि आई टू मैलॉक की मदद से आप क्या करो, एलोकेट कर दो मेमोरी। मैं एक बड़ा सा नंबर दे देता हूँ यहाँ पर 34,000, और मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करके साइज ऑफ इंट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर डायनामिक मेमोरी एलोकेशन कर दिया, मैंने कहा कि यार आई टू जो पॉइंटर है उसको पॉइंट करा दो एक हीप में एक मेमोरी ब्लॉक से जो कि 34444 मल्टीप्लाई बाय साइज ऑफ इंट जितना बड़ा है। ये किया मैंने, और मैंने सिर्फ इतना करके आई प्लस प्लस कर दिया, ठीक है। और आई प्लस प्लस से पहले एक काम करूँगा, मैं कहूँगा कि अगर आई जो है वो 100 के मल्टीपल में आता है, इफ़ आई परसेंट 100 इज़ इक्वल टू 0, ठीक है, अगर ऐसा होता है, अगर आई जो है वो 100 के मल्टीपल में आता है तो गेट कैर, यानी कि एक कैरेक्टर ले लो ताकि ना मेरा प्रोग्राम रुक जाए। मैं चाहता हूँ कि जो मेरा प्रोग्राम है वो किसके मल्टीपल में, 100 के मल्टीपल में चले। मैं आपको दिखाऊंगा रन करके, आप लोग को पता चलेगा। और मैं फ्री नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, मुझे फ्री करनी चाहिए थी मेमोरी, लेकिन मैं फ्री नहीं करूँगा यहाँ पर मेमोरी को, ठीक है। तब अब होगा क्या कि मैं आप लोगों को दिखाता हूँ क्या होगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा जूम आउट करूँगा कोड में, आप लोगों को दिखाता हूँ क्या लिखा मैंने। ज़्यादा कुछ बड़ा काम नहीं किया है, आप कंट्रोल शिफ्ट टच करके फॉर्मेट भी कर लें अपने कोड को, अच्छा रहता है। अब मैं सिंपली करूँगा कि इसको सेव करूँगा, मैंने रन कोड कर दिया वैसे, लेकिन रन कोड करने से भी पहले मैं एक काम करूँगा, मैं यहाँ पर
कंट्रोल सी कर देता हूँ एक बार, और कंट्रोल एस करके मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैनुअली इसको कंपाइल करूँगा। मैं लिखूँगा GCC और मैंने यहाँ पर ड्यूटोरियल 75.c लिख दिया, और क्या होगा, एक a.exe बन जाएगी। आप लोग को मालूम है वो सब, ठीक है। अब मैं यहाँ पर a.exe लिखूँगा, एंटर मारूँगा, ठीक है। और उसी के साथ साथ अपना टास्क मैनेजर खोल लूँगा। तो टास्क मैनेजर खोलने के बाद मैं यहाँ पर जो मेरा a.exe है उसको मैं यहाँ पर ढूंढ रहा हूँ, कहाँ है मेरा a.exe, और a.exe को मैं यहाँ पर ढूंढ रहा हूँ। मैं इसको रन करूँगा, मैंने एंटर मारा, तो मैंने अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर जो a.exe है उसको यहाँ पर ढूंढ लिया है। देखो ये मेमोरी कितनी ले रहा है, 1.1 MB ले रहा है अभी, लेकिन जैसे जैसे मैं यहाँ पर इसको कैरेक्टर दे दे के मैं इस तरह से रन करता जाऊँगा, तो देखो 1.1 MB अचानक से 5 MB हो चुकी है। और अगर मैं इसको और एंटर एंटर मार के रन करूँ तो ये देखो 5 MB जो है 8.9 MB हो चुकी है, और ये CPU यूसेज भी बहुत ज़्यादा ले रहा है, और एकदम से आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, a.exe मेरी 8.9 MB ले रही है। अब मैं एंटर और मारूँ यहाँ पर, देखो यहाँ पर 10.4 MB, और एंटर मारूँ दो तीन, 13.5 MB। तो क्या हो रहा है कि जैसे जैसे ये प्रोग्राम चलता जा रहा है वैसे वैसे यहाँ पर मेमोरी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और एक टाइम होगा क्रैश कर जाएगा प्रोग्राम अगर मेमोरी कम पड़ गई तो। तो इसीलिए मुझे यहाँ पर करना क्या चाहिए था, ये सिचुएशन मेमोरी लीक की सिचुएशन है जो कि मैंने अभी आप लोग को बताई। एक बैक स्लैश एन लगा था शायद थोड़ा सा अच्छा दिखता, बट एनी वेज चलेगा। मुझे यहाँ पर फ्री कर देना चाहिए था हर लूप की आइट्रेशन के साथ आई टू को, और अगर मैं ऐसा करूँगा, फ्री कर दूंगा, मैं कंट्रोल सी करता हूँ और उसके बाद वापस से वही करूँगा जो कि मैंने किया था। मैंने यहाँ पर इसको कंपाइल किया और अब मैं a.exe को रन करूँगा, और यहाँ पर अब आप लोग को a.exe की यूजेज दिखाता हूँ। 0.4 है अभी, और 0.4 है अभी, एंटर मारा मैंने यहाँ पर, आप लोग देखो 0.4 के बाद यहाँ पर ये बड़ी नहीं, जितने भी एंटर मारूँगा ये नहीं बड़ी। अब अगर मैं अपने उस फोल्डर के अंदर भी आ जाऊँ जहाँ पर ये a.exe रखी हुई है, तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ रन करके। a.exe रन करी मैंने, एंटर मारा, एंटर मारा यहाँ पर, फिर एंटर मारा, एंटर मार रहा हूँ मैं, और यहाँ पर आप लोग देखो मेरी a.exe अब कुछ यहाँ पर आ जाएगी। अभी आई थी a.exe, मैंने मिस कर दी। a.exe मेरी यहाँ पर है, आप देखो 6 MB ले रही है। मैं यहाँ पर एंटर मारता जाऊँगा और ये देखो यहाँ पर 6 MB ही ले रही है। अब क्या है कि इसको अगर मैं इसको स्प्लिट करूँ, 5.6 + 0.4 ले रही है। एंटर मारूँगा यहाँ पर, मैं काफ़ी बार एंटर मार रहा हूँ इनफैक्ट, तो हो क्या रहा है कि यहाँ पर बिल्कुल भी मेरी a.exe को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि मैं जो है जो मैंने डायनामिकली मेमोरी एलोकेट की है उसको फ्री करता जा रहा हूँ, करता जा रहा हूँ, करता जा रहा हूँ, जो कि एक अच्छी प्रैक्टिस है। तो ये है मेमोरी लीक सी प्रोग्रामिंग के अंदर, आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। मैंने आप लोगों को दिखाया a.exe में जब मैंने यहाँ पर ये यूज़ नहीं किया था, फ्री PTR जो भी मैंने पॉइंटर बनाया, किस नाम से बनाया, i2 नाम से बनाया, जब मैंने इसको फ्री नहीं किया था तब यहाँ पर क्या सीन था, और जब मैंने इसको फ्री कर दिया तब क्या सीन है। तब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक कमेंट, विदाउट दिस वी विल इनकाउंटर अ सिचुएशन ऑफ मेमोरी लीक, एज सिंपल एज दैट। तो हम लोग यहाँ पर मेमोरी लीक की सिचुएशन को इनकाउंटर करेंगे अगर हम लोगों ने ये नहीं लगाया। सो गाइज ये है हमारा मेमोरी लीक, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है लेकिन तब भी सिमुलेट करके मैंने आप लोग को दिखा दिया। अब आप लोग को पता है कि अगर आप लोग पॉइंटर को फ्री नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो आप लोग अपने प्रोग्राम्स में इस तरह का गार्बेज बनाने का ध्यान रखेंगे कि इस तरह का गार्बेज अपना बना बैठें। सो आशा करता हूँ क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। सो गाइज इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, एक थम्स अप ज़रूर दें इस वीडियो को। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।